हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, दिस इज विशाल। तो इस वीडियो में हम एक ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटेजी देखने वाले, जो कि आप बैंक निफ्टी में यूज कर सकते हो, आप उस पर ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो। और इस स्ट्रेटेजी का एक खासियत है कि आप ट्रेंडिंग मार्केट को कैप्चर कर सकते हो और एक अच्छा रिटर्न ओवरऑल निकल सकते हो। पर जो इस वीडियो में मैं रूल बताने वाला हूँ, वो रूल आप प्रॉपरली नोट डाउन कीजिए। आपके पास अगर पूरा टाइम है तो ये वीडियो पूरी देखिए, नहीं तो बाद में वॉच लिस्ट में डाल के बाद में आराम से देख सकते हो। पर पूरी वीडियो देखिए, अगर आपने स्किप करके देखा तो आपको ट्रेड में नुकसान हो सकता है। तो हम अभी ये स्ट्रैटेजी प्रॉपरली स्क्रीन पे समझेंगे, क्या स्ट्रैटेजी है, रूल्स क्या है, और इस स्ट्रैटेजी का यूज करके आप कैसे बड़े रिटर्न्स और अच्छे रिटर्न्स, ओवरऑल रिटर्न्स निकाल सकते हो। तो इस स्ट्रैटेजी को शुरू करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो हम स्ट्रैटेजी के डालने वाले हैं जो कि आपको यूजफुल होंगे। तो अभी जल्दी से फटाफट स्क्रीन पे जाते और स्ट्रैटेजी को डिटेल में समझते हैं। तो अभी हम स्क्रीन पे देखेंगे कि इनसाइड कैंडल एग्जैक्टली कैसी दिखती है और कैसी फॉर्म होती है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, एक कैंडल फॉर्म हुई है जो कि ग्रीन कलर की है। कैंडल का कलर कौन सा भी हो, डजंट मैटर, ग्रीन या फिर रेड। उसके बाद जो सेकेंड कैंडल फॉर्म होती है ना, वो उस कैंडल के हाई और लो के बीच में फॉर्म होनी चाहिए। मतलब ये केस में क्या है कि ये जो फर्स्ट कैंडल है, इसका जो ये हाई हमने रेड लाइन से मार्क किया है और ये लो हमने रेड लाइन से मार्क किया है, उसके बीच में जो ये सेकेंड कैंडल फॉर्म हुई है, वो कैंडल फॉर्मेशन को हम बेबी कैंडल फॉर्मेशन कहते हैं। मतलब ये जो फर्स्ट कैंडल होती है इसे हम मदर कैंडल कहते हैं, सेकेंड कैंडल को हम बेबी कैंडल कहते हैं। उसके बाद वाली जो थर्ड कैंडल होगी ना, उसके ब्रेकआउट पे हम ट्रेड करेंगे। मतलब ये केस में क्या करेंगे हम कि बेबी कैंडल का हाई और लो मार्क करेंगे। मतलब ये हाई मार्क किया, ये लो मार्क किया, और उसके बाद जिस भी साइड ब्रेकआउट हो उस साइड हम ट्रेड करेंगे। तो इस केस में क्या हुआ है, देखो जो थर्ड कैंडल फॉर्म हुई है वो कैंडल ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया है। मतलब ये जो हमने रेड कैंडल का हाई और लो मार्क किया था ना, उसको ब्रेकआउट ऊपर की तरफ किया है। तो जब ब्रेकआउट होगा तो उसके बाद हम उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे। तो इस केस में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है, मतलब हम बुलिश ट्रेड लेंगे। और जो हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा वो कहाँ पे रहेगा, एंट्री हमारी इस कैंडल के क्लोजिंग पे होगी, और जो स्टॉप लॉस रहेगा बेबी कैंडल का, मतलब ये जो रेड कैंडल है इसका जो लो है उस लो के पास हम स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। और टारगेट कितना रखेंगे, जितना हमारा स्टॉप लॉस की जो रेंज है, मतलब ये जो रेंज है उसको ऊपर की तरफ 2 times प्रोजेक्ट करेंगे। मतलब ये जो रेंज है उसका डबल ऊपर की तरफ हम टारगेट लेंगे। मतलब 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके हम ये ट्रेड करेंगे। और एक कंडीशन है, ये कैंडल स्टिक हमें 15 मिनट पे देखनी है। मतलब जो मदर कैंडल है, जो फर्स्ट कैंडल, वो 15 मिनट पे देखनी है। उसके बाद जो बेबी कैंडल फॉर्म होती है वो भी 15 मिनट पे देखनी है। मतलब बेबी कैंडल एंड मदर फॉर्मेशन का जब फॉर्मेशन होता है, उसके बाद इनसाइड कैंडल का सेटअप एक्टिवेट होता है, और जो थर्ड कैंडल फॉर्म होगी उसे हम 5 मिनट पे कन्वर्ट करके ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे। मतलब अगर ये फर्स्ट और सेकंड का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद क्या करेंगे हम, रेंज को मार्क करेंगे, बेबी कैंडल की रेंज ऊपर की तरफ मार्क करेंगे, नीचे की तरफ मार्क करेंगे, एंड उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच हो जाएंगे। और जिस भी डायरेक्शन में हमें 5 मिनट का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन मिलता है, उसी डायरेक्शन में हम ट्रेड करेंगे। तो इस केस में क्या हुआ, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिला है इसलिए हमें ऊपर की तरफ का ट्रेंड लेंगे। अगर नीचे की तरफ का ब्रेकडाउन मिलता तो हम नीचे की तरफ का ट्रेंड लेंगे, और जो हाई है उसका स्टॉप लॉस लगा के नीचे की तरफ भी 1:2 का टारगेट करेंगे। तो इसको हम इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन कहते हैं, और इस सेटअप से हम एक अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं, अगर आप प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करें, डिसिप्लिन से काम करें। तो थोड़ा सा हम एग्जांपल देखते हैं और क्या क्या है। देखो इस केस में भी ये इनसाइड कैंडल है, मतलब ये जो फर्स्ट रेड कलर की कैंडल है, ये कैंडल रेड कलर की है, मदर कैंडल है, इसकी बॉडी देखो अच्छी बॉडी है, तो अच्छी बॉडी होनी चाहिए। उसके बाद जो सेकेंड कैंडल फॉर्म होती है वो इसी कैंडल के हाई और लो के बीच में फॉर्म होनी चाहिए। मतलब इस केस में देखो, यहाँ पे इसका ये लो है और ये हाई, और इसी हाई और लो के बीच में ये जो सेकंड कैंडल है ये फॉर्म हुई। उसके बाद इस सेकंड कैंडल, मतलब बेबी कैंडल का हम हाई और लो मार्क करेंगे, और जिस भी साइड थर्ड कैंडल ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन, अगर ऊपर की तरफ यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो हम ऊपर की तरफ का ट्रेड लेंगे, अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन मिलता है तो हम नीचे की तरफ का ट्रेड लेंगे, और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो बेबी कैंडल का रहेगा। मतलब अगर हमें बुलिश ट्रेड मिला तो बेबी कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस बनेगा, और अगर हमें बियरिश ट्रेड मिला तो बेबी कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस बनेगा। तो ये बेसिक स्ट्रेटजी है, अच्छी स्ट्रेटजी है। हमने इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है। मतलब जो ब्रेकआउट होता है वो 5 मिनट पे हम एंटर करते हैं, 5 मिनट के ब्रेकआउट पे। तो आप इस स्ट्रेटजी का यूज करके बैंक निफ्टी में अच्छा ट्रेड ले सकते हो। तो थोड़े से और हम एग्जांपल देखेंगे इस कैंडलस्टिक फॉर्मेशन का। हमारे सामने यहाँ पे देखो इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, मतलब ये ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद यहाँ पे एक मदर कैंडल बनाई, मतलब इसका जो हाई और लो है इसके बीच में ये जो कैंडल ये फॉर्म हुई,
और इसका हाई एंड लो को हम मार्क करेंगे एंड जिस भी डायरेक्शन में हमें ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन मिलता है उसी डायरेक्शन में हम ट्रेड लेंगे 5 मिनट पे। तो ये एक एग्जांपल है इनसाइड कैंडल का। अभी हम क्या करेंगे, लाइव मार्केट में भी उसे बैक टेस्ट करेंगे, मतलब लाइव मार्केट में नहीं, जो चार्ट पे बैंक निफ्टी के उसे हम बैक टेस्ट करेंगे और आपको दिखाएंगे। यहाँ पे भी देखो एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था, ये जो रेड कैंडल है ये मदर कैंडल, उसके बाद इसी हाई और लो के बीच में ये जो सेकेंड कैंडल फॉर्म हुए, उसके बाद ऊपर की तरफ यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिला है, हमने ऊपर की तरफ का ट्रेड लिया और आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर की तरफ अच्छा मार्केट गया। तो ये कैंडल स्टिक पैटर्न अच्छा वर्क करता है, अराउंड 60-70% टाइम्स ये वर्क करता है। अगर आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेके इस पे ट्रेड करते हो तो आप अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, बट आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना है और प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना है। थोड़े से कुछ रूल्स है, वो रूल्स मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या रूल्स है, तो पेपर पेंसिल से आप नोट डाउन कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। तो मैं आपको थोड़े से रूल्स समझा देता हूँ इसके। तो जो हमारा जो फर्स्ट रूल है ना, वो क्या होना चाहिए, मदर कैंडल जो रहती है, जो फर्स्ट कैंडल, उसको बॉडी अच्छी रहनी चाहिए, मतलब जो वीक है वो कम रहनी चाहिए और बॉडी अच्छी डेंस बॉडी रहनी चाहिए, तो हम उसे कंसिडर करेंगे। उसके बाद जो सेकेंड बेबी कैंडल फॉर्म होती है, उसका जो साइज है उस कैंडल का साइज, वो बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट का होना चाहिए, मतलब 100 पॉइंट से कम होना चाहिए। 100 पॉइंट से अगर ज़्यादा होते तो वो बहुत बड़ा बेबी कैंडल होता है और उसका जो स्टॉप लॉस रहता है वो फिर बड़ा हो जाएगा। तो अगर 100 पॉइंट के अंदर उस बेबी कैंडल का साइज है तो आप उसे कंसिडर कर सकते हो। ये हमारा सेकेंड रूल है। जो थर्ड रूल है वो क्या है, आप इस स्ट्रैटेजी पे मैक्सिमम 2 ट्रेड लोगे पर डे, मतलब अगर आपको दिन भर में 2 ट्रेड मिलते हैं इस स्ट्रैटेजी में तो आप 2 ट्रेड लोगे, उससे ज़्यादा अगर मिलते हो तो आप नहीं लोगे बिकॉज ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी, तो सिर्फ 2 ट्रेड लोगे। और इस स्ट्रैटेजी की जो खासियत है कि आप ट्रेंड को कैप्चर करोगे, मतलब अगर मार्केट ट्रेंडिंग रहता है तो आपको जो ट्रेड मिलेगा ना, तो उसी 1-2 ट्रेड में आपका अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट हो जाएगा। अगर आपको मोर देन 2 ट्रेड मिल रहा है उसका मतलब क्या है कि मार्केट साइडवेज हो रहा है, तो आपको 2 ट्रेड से ज़्यादा इस स्ट्रैटेजी में ट्रेड नहीं करना। फोर्थ रूल क्या है, आपको रिस्क रिवॉर्ड 1:2 को मेंटेन करना है, मतलब अगर आप आपकी जो बेबी कैंडल 60 पॉइंट्स की बनती है, मतलब आपका स्टॉप लॉस अगर 60 पॉइंट्स का होता है तो आपको कम से कम 120 पॉइंट्स का टारगेट लेना है, मतलब जितना आपकी बेबी कैंडल की साइज होगी उसके डबल, मतलब स्टॉप लॉस के डबल आपको टारगेट लेना है। तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके ही आपको ट्रेड करना है। फिफ्थ रूल है हमारा एंट्री का, मतलब हम बेबी कैंडल मदर कैंडल को मार्क करते हैं, बेबी कैंडल का हाई एंड लो मार्क करते हैं, उसके बाद जिस साइड में ब्रेकआउट होगा उस साइड ट्रेंड लेंगे, बट जो ब्रेकआउट की कैंडल है ना वो हमें 5 मिनट पे ढूंढनी है, मतलब 15 मिनट में हम सेटअप को ढूंढेंगे, उसके बाद मार्क करेंगे लेवल्स एंड 5 मिनट पे स्विच हो जाएंगे। 5 मिनट्स में जिस भी साइड डायरेक्शन में ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होगा उसी डायरेक्शन में हम ट्रेड करेंगे, मतलब एंट्री कैंडल 5 मिनट की होनी चाहिए। जो सिक्स्थ रूल है वो है, आपको ऑप्शन अगर बाइंग करनी है सेटअप पे तो एट द मनी या फिर इन द मनी ऑप्शन आप बाय करोगे, ओटीएम ऑप्शन नहीं बाय करोगे, बिकॉज ओटीएम ऑप्शन में क्या होगा, टाइम डिके ज़्यादा होगा, अगर टाइम थोड़ा सा टाइम लगता है ट्रेड को टारगेट देने में तो आपका ओटीएम ऑप्शन में टाइम डिके हो जाएगा, तो आपको डिके का खतरा रह सकता है, इसकी वजह से आपको एट द मनी या फिर इन द मनी ऑप्शन बाय करना है। ये टोटल 6 रूल है, इसको आप नोट डाउन करो या फिर स्क्रीनशॉट निकालो। अगर इस 6 रूल को आप प्रॉपरली फॉलो करते हो तो आप एक अच्छा ट्रेडिंग कर सकते हो, एक अच्छा रिटर्न्स आप निकाल सकते हो, पर आपको प्रॉपरली डिसिप्लिन के साथ ये 6 रूल को फॉलो करना है। तो अभी हम चार्ट पे देखेंगे एग्जैक्टली बैंक निफ्टी में कहाँ पे इनसाइड कैंडल फॉर्म हुए एंड उसके बाद कैसा रिजल्ट मिला है, तो आपको मैं चार्ट पे कैसे ढूंढते हैं वो दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी है, 15 मिनट की टाइम फ्रेम हमने सिलेक्ट कर दी और इनसाइड कैंडल का पहला रूल क्या है कि अच्छी बॉडी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो एक ग्रीन कैंडल मदर कैंडल जिसमें बॉडी अच्छी है, उसके बाद जो ये कैंडल बनी है ना वो बेबी कैंडल है। क्यों? बिकॉज जो मदर कैंडल का हाई और मदर कैंडल का लो, इसी हाई और लो के बीच में ये हमारी जो कैंडल बनी है बेबी कैंडल वो बनी है, इसके लिए हम इसे कंसिडर करेंगे इनसाइड कैंडल में। हमारा जो थर्ड रूल था वो क्या था कि हम बेबी कैंडल की साइज देखेंगे, 100 पॉइंट से कम होनी चाहिए तो अच्छा कम स्टॉप लॉस के साथ हमें ट्रेड मिलता है। तो इस केस में क्या हुआ है कि देखो इसकी कैंडल साइज है अराउंड 130 पॉइंट्स, मतलब 30 पॉइंट्स एक्स्ट्रा है, तो आप 100 एंड 150 तक जा सकते हो अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो, बट अगर आप नए से शुरुआत कर रहे हो तो आप 100 का ही रखो, मतलब 100 कैंडल जो कैंडल है उसकी साइज लेस देन 100 हो तो अच्छा है। तो इस केस में छोड़ो, अगर 100 पॉइंट से ज़्यादा है तो ठीक है, हम आगे देखेंगे कहाँ पे मिलता है इनसाइड कैंडल। तो हमें देखो ये भी एक इनसाइड कैंडल दिखे जिसमें बॉडी है, अच्छी खासी बॉडी दिखाई दे रही है, उतनी डोजी कैंडल नहीं है। हमें क्या करना है, सिर्फ डोजी कैंडल को अवॉइड करना है, मतलब अगर कैंडल ऐसी बनती है, कैंडल साइज अगर ऐसी हो, डोजी कैंडल में आपको एक बार दिखा देता हूँ कहाँ पे,
देखो ये जो कैंडल है ये डोजी काइंड ऑफ कैंडल है जिसमें बॉडी बहुत कम है, तो ऐसे कैंडल को हमें अवॉइड करना है। तो अगर हम देखें यहाँ पे इस कैंडल पे बॉडी अच्छी खासी है, ये ग्रीन कलर की कैंडल है ना ये वाली, इसमें बॉडी अच्छी है, तो इस कैंडल को हम कंसिडर करेंगे। तो इसका हाई और लो मार्क करेंगे, इस कैंडल का हाई और लो मार्क किया, और उसके बाद जो कैंडल फॉर्म हुई इसी हाई और लो के बीच में फॉर्म हुई, मतलब ये हमारी बेबी कैंडल है। अब बेबी कैंडल का हाई और बेबी कैंडल का लो को हम मार्क करेंगे। जो हमारा रूल है उसमें क्या है कि कैंडल की साइज़ देखो, तो देखेंगे साइज़ कितना है, अराउंड यहाँ पे 100 पॉइंट्स की कैंडल है ये। कितनी पॉइंट्स की है, यहाँ से कैलकुलेट करें पॉइंट्स तो देखो एग्जैक्टली 95-96 पॉइंट्स की, मतलब ये अच्छी कैंडल है। तो ये हमारा सेटअप यहाँ पे एक्टिवेट हुआ है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 5 मिनट पे स्विच हो जाएंगे। तो ये 27 जैन की कैंडल है, 5 मिनट पे स्विच हो जाएंगे 15 मिनट के बाद। उसके बाद 27 जैन को देखेंगे क्या हुआ है, 27 जैन क्या, तो देखो यहाँ पे 5 मिनट पे इस कैंडल पे हमें ब्रेक डाउन मिला है, मतलब नीचे की तरफ का ट्रेड मिला है। तो हम स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे, बेबी कैंडल का जो हाई हमने यहाँ पे मार्क किया है तो ये हमारा स्टॉप लॉस बनेगा। तो अभी हम देखते हैं हमें यहाँ पे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिला है कि नहीं। नीचे की तरफ ब्रेकडाउन मिला मतलब हम शॉर्ट साइड का ट्रेड लेंगे नीचे की तरफ का। तो यहाँ पे हमारी एंट्री हुई, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे, इसके हाई पे, बेबी कैंडल के हाई पे, एंड कम से कम हमें 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेके चलना है। तो 1:2 कहाँ पे आ रहा है, ओके 1:2, तो यहाँ पे देखो 1:2 यहाँ पे अचीव हुआ है। अराउंड इस कैंडल पे हमारी हमारा जो टारगेट है वो आ चुका है, तो अच्छा यहाँ पे ट्रेड मिला है। तो इनसाइड कैंडल का जो ये खासियत है ना कि अगर मार्केट ट्रेंडिंग रहता है तो ट्रेंड के बीच में हमें एक एंट्री मिलती है, उसके बाद हम ट्रेंड को कैप्चर कर सकते हो। तो ये इनसाइड कैंडल की एक खासियत है। तो आपको बड़े बड़े टारगेट मिल सकते हैं, उसके बाद भी देखो यहाँ पे नीचे की तरफ गए तो आप 50% क्वांटिटी बुक करके बाकी का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड भी कर सकते हो अगर आपके पास मोर देन वन क्वांटिटी। बट पहले अगर आप बिगिनर हो तो एक लॉट से ट्राई कीजिए और प्रॉपरली रिस्क रिवॉर्ड और जो रूल है उसको फॉलो करके ही कीजिए, तो हमें अच्छे ट्रेड मिल सकते। तो आपके सामने एक एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे प्रॉफिट हमारा आराम के साथ यहाँ पे 1:2 के साथ अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हमें मिल सकता था। तो ठीक है, और एक हम बैक टेस्ट करते हैं। यहाँ पे देखो और एक मैंने मार्क किया इनसाइड कैंडल। हमारा जो क्राइटेरिया है वो क्या है कि मदर कैंडल अच्छी होनी चाहिए। ये देखो ग्रीन कलर की अच्छी बॉडी के साथ मदर कैंडल है, उसका हाई एंड उसका लो के बीच में ये सेकेंड कैंडल फॉर्म हुई, मतलब बेबी कैंडल। तो यहाँ पे सेटअप एक्टिवेट हुआ है। उसके बाद क्या देखना है हमें, बेबी कैंडल की साइज देखनी है। तो बेबी कैंडल की साइज 52 पॉइंट्स, मतलब लेस देन 100 पॉइंट्स है, वो भी क्राइटेरिया हमारा मैच हुआ है। तो अभी हम एंट्री लेंगे, तो एंट्री कब लेंगे, 5 मिनट पे ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट के बाद। तो हमने मार्क किया ये बेबी कैंडल का हाई और बेबी कैंडल का लो। अब क्या करेंगे हम, 5 मिनट पे स्विच हो जाएंगे। तो यहाँ पे कैंडल कौन सी है, 18 जैन, ओके 5 मिनट पे स्विच हो जाएंगे। देखते हैं 18 जैन को हमें ट्रेड मिला है कि नहीं। ओके तो ये हाई और लो मार्क किया था। उसके बाद देखो गाइज यहाँ पे अराउंड इस कैंडल पे हमें ब्रेकडाउन मिला है। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला है, तो हमारी एंट्री कहाँ पे होगी, नीचे की तरफ शॉर्ट साइड पे एंट्री होगी, मतलब हम शॉर्ट करेंगे या फिर हम पुट को बाय कर सकते हो अगर हम बाइंग कर रहे हो, या फिर हम कॉल को सेल कर सकते हो। तो अगर आपको नीचे की तरफ का ट्रेड करना है तो आप क्या कर सकते हो, पुट को बाय कर सकते हो या फिर कॉल को सेल कर सकते हो। तो यहाँ पे नीचे की तरफ का ट्रेड लेंगे, ये हमारी एंट्री हुई। स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, ये बेबी कैंडल का हाई, तो ये हमारा स्टॉप लॉस हुआ। और टारगेट क्या लेंगे हम, 1:2, तो 1:2 यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है 2, मतलब 1:2 जो स्टॉप लॉस है वो अराउंड 50 पॉइंट्स का था। कैलकुलेट कर सकते हो आप यहाँ पे 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और उसके बदले में हमें नीचे की तरफ टारगेट कितना मिला है, यहाँ पे 120 पॉइंट्स का, मतलब 1:2 हमें टारगेट मिला है। तो यहाँ पे भी हमें टारगेट मिला है। तो देखो यहाँ पे दो ट्रेड हमारे सक्सेसफुल हुए, हमने बैक टेस्ट किया है, तो अच्छा रिजल्ट इसका है। तो आपको एक स्टडी है, आप जाके बैंक निफ्टी पे बैक टेस्ट करो, प्रॉपर 1-2 महीने का बैक टेस्ट करो। जो रूल्स बताए गए, बॉडी अच्छी होनी चाहिए, बेबी कैंडल 100 पॉइंट्स की होनी चाहिए, एंट्री हम 5 मिनट्स पे लेंगे, वो सारे रूल फॉलो करो। अगर एक भी रूल मैच नहीं होता तो आप ट्रेड नहीं लोगे, वो ट्रेड आपका नहीं बनेगा। अगर सारे रूल मैच होते तो आप उस ट्रेड में एंटर करो, पहले बैक टेस्ट करो, बैक टेस्ट में देखो कैसा रिजल्ट है प्रॉपरली, उसके बाद आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा और फिर आप लाइव मार्केट पे उसे एक्चुअल में ट्रेड कर सकते हो। पर अगर आप बिगिनर हो तो आप एक लॉट से ट्रेड करो, जो भी रूल बताए गए वो डिसिप्लिन से फॉलो करो, आपको इस ट्रेडिंग में, इस ट्रेडिंग स्टाइल से बहुत अच्छा खासा रिटर्न आपको निकल सकता है। बट जो रूल्स हमने बताए वो अच्छे से फॉलो करो। तो मैंने सिर्फ आपको 2 बैक टेस्ट करके दिखाए,
आपका काम है ये, बाकी के आप 1 या फिर 2 महीने का बैक टेस्ट करो, और अच्छे से बैक टेस्ट के साथ कॉपी में आप रिजल्ट लिख सकते हो, ट्रेडिंग जर्नल बनाओ, उस पर आप रिजल्ट लिखो क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कितना किस दिन कितना टारगेट मिला है, किस दिन स्टॉप लॉस हिट हुआ है, और प्रॉपरली आप रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड करो। तो एक बहुत अच्छी ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग कैप्चर करने वाली स्ट्रैटेजी, आप ट्रेंडिंग मार्केट को इस स्ट्रैटेजी से कैप्चर कर सकते हो। तो ये हमारी इनसाइड कैंडल की स्ट्रैटेजी थी। तो अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी होगी तो आप कमेंट में बताइए आपको अच्छी लगी, आपको अगर कुछ डाउट हुए तो आप कमेंट कर सकते हो। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को कीजिए लाइक, इस वीडियो को कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।